इस्लाम से दीनी मुतालिक हर मालूमात। तरह की वीडियोस देखने के लिए दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को एक बार जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मुकद्दस को, कुरान मजीद को बगैर वजू के छूना कैसा है, जायज है या नहीं? इख्तलफ अल उलमाउ फी मस्सिल मसहफी अला गैरी उजूइन फल जुमहूरु अलल मनई मिम मस्सिही। और हजरत अली, हजरत इब्ने मसूद, हजरत साद बिन वकास, हजरत सईद बिन जैद, इनके अलावा और भी कुछ सहाबा इकराम हैं जो यही मसला मैं जो बता रहा हूं उनका भी यही मौकफ है। जैसा कि आप अगर देखना चाहें तफसील के साथ आपको मसला मिल जाएगा तफसीरे कुर्तबी में जिल्द नंबर 17 सफा नंबर 146 पे, तफसीरे कबीर जिल्द नंबर 29 सफा नंबर 193 पे, और तफसीर इब्ने कसीर मुकम्मल सफा नंबर 1204 पे, रूहुल मानी में सफा नंबर 154 आप खोलकर देखिएगा। जहां तक इस मसले की बात है इसमें इख्तिलाफ जरूर है, इख्तिलाफ की बात है, इख्तिलाफ जरूर है। यहां आप पहले यह समझिए, दो मसला, एक है कुरान पढ़ना, एक है कुरान छूना। कुरान को छूने के बारे में बता रहा हूं, कुरान जो पढ़ना है ये एक अलग मसला है। कुरान कोई पढ़ रहा है, छुआ नहीं है, जबानी पढ़ रहा है, ये एक अलग मसला है। यहां इस मसले का कोई ताल्लुक नहीं, जो मसला आपको बता रहा हूं इस मसले का यहां कोई ताल्लुक नहीं। ये जो मैं मसला बता रहा हूं ये कुरान पढ़ने के बारे में बता रहा हूं, कुरान पढ़ना कैसा है। अगर कोई जो है कुरान पढ़ना चाहता है बगैर वजू के वो कैसा है, वो एक अलग मसला। यहां मैं इसे बताता नहीं हूं, यहां मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कुरान छूना कैसा है। कोई कुरान को छूता है, कहीं कुरान लिखा हुआ है, कुरान की आयत लिखी हुई है, उस आयत को छू रहा है, या मुकम्मल कुरान है उस कुरान को छू रहा है, कुरान को हाथ में ले रहा है, कुरान शरीफ को हाथ में ले रहा है, उसका क्या मसला है? याद रखें, जहां तक दलाइल की बातें हैं बेहतरीन दलाइल की कोई कमी नहीं। दलाइल के अल्लाह के फजल से उलमाए अहनाफ, उलमाए देवबंद के पास दलाइल की कोई कमी नहीं है, दलाइल बिल्कुल मौजूद है। यहां पर मैं उसूली बातें करके आपको मसला समझाना चाहता हूं। मैंने जो इबारत पढ़ी अरबी में उसका मतलब और खुलासा यही था, इख्तलाफ जरूर है उलमा का, लेकिन जुमहूर उलमाए किराम यानी ज्यादा ज्यादा जिधर हैं, जिधर उलमाए किराम की कसरत मौजूद है, ज्यादातर उलमा जिस तरफ रुझान करते हैं वो यही है कि आप बगैर वजू के कुरान नहीं छू सकते, कुरान को छूना जायज नहीं है। और सहाबा इकराम का मैंने नाम लिया कि फलां फलां सहाबा इकराम का भी यही मौकफ था कि कुरान को बगैर वजू के आप छू नहीं सकते। पढ़ना अलग मसला है, याद रखिएगा, यहां छूने के बारे में कहता हूं। इसीलिए आपके लिए भी एहतियात का तकाजा भी यही है कि आप कुरान बगैर वजू के बिल्कुल मत छूइए। जुम्हूर का फतवा भी यही है, राजे कौल भी यही है कि कुरान मुकद्दस को बगैर वजू के छूना नाजायज है, गुना है, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है। दलाइल लंबी लंबी दलाइलें अपनी जगह मौजूद हैं, दलाइल की कोई कमी नहीं है। दलाइल की वजह से उलमाए अहनाफ से, उलमाए देवबंद से आप राब्ता करें, दलाइल आपको जरूर मिल जाएंगी। बहरकैफ मसला ये याद रखें, इख्तलाफी मसला जरूर है लेकिन एहतियात का भी तकाजा यही और राजह कौल भी यही है। जुमहूर का मसलक, जुमहूर उलमा का, ज्यादातर उलमा, ज्यादातर सहाबा इकराम का जो मसलक था वो यही था कि कुरान मुकद्दस को, कुरान मजीद को बगैर वजू के छूना पकड़ना जायज नहीं है। अल्लाह ताला हम तमाम को बगैर वजू के कुरान छूने से बचाए, क्योंकि आजकल ऐसा ही होता है कि कुरान को छूने लगते हैं बगैर वजू के भी। अल्लाह ताला इससे बचाए, इस गुनाह से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इस्लाह उम्मत के लिए यूट्यूब पर चलाया जाने वाला अनोखा और लाजवाब चैनल जिसका नाम दीनी मालूमात है, आप इस दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं। से फायदा ये होगा कि हम जब भी कोई नई वीडियो डालेंगे वो आप तक पहुंच जाएगी। चैनल की हर वीडियो आप अपने चैनल पे डाल सकते हैं यानी कॉपीराइट नहीं आएगी। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहें तो ऐड लिखकर आप अपने व्हाट्सएप नंबर से दिए गए नंबर पे मैसेज करें। नीज इस दीनी मालूमात चैनल में आपको इस्लाम से मुतालिक हर तरह की वीडियोज मिलेंगी।